सुबह हो गई है और सुबह उठते ही सेम रूटीन, रात में मैंने चेंज भी नहीं किया और बस ऐसे ही सो गई थी। तो आधी वीडियो आपको इन कपड़ों में दिखेगी, आधी वीडियो अलग कपड़ों में दिखेगी। सो सुबह उठते ही साथ जो है ना, सबसे पहले जो होता है ब्रेकफास्ट देना होता है नाइल साहब को, क्योंकि नाइल साहब सबसे पहले उठ जाते हैं और फिर बस उठते ही साथ हमारे रूम में एंट्री होती है उनकी। मामा उठ जाएँ, 9 o'clock हो गए, मामा उठ जाएँ, वैसे मैं उठ ही जाती हूँ पर नाइल साहब जो है ना आके अलार्म का काम करते हैं। फिर नाइल को आज ब्रेकफास्ट में चाहिए था चॉकलेट टोस्ट, तो मैंने उसको वो दिया। ये चॉकलेट स्प्रेड है रेडीमेड, तो वही आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी कुछ दिन बाद मैं घर पे होम मेड चॉकलेट स्प्रेड बनाऊँगी, जैसे कि देसी घी घर में बनाया। और आज मेरा दिल हो रहा था पराठा खाने का, तो बचपन से हमारी आदत है, हम स्क्वायर शेप के पराठे हमारे घर में बनते थे, नानी भी वही बनाती थी, अम्मी भी वही बनाती थी और मुझे भी वही पसंद है। तो आज मैंने कहा चलो अपने लिए छोटा सा पराठा बनाती हूँ। और वो अपने लिए क्या होता है, जब मैं बनाती हूँ और जब मैं खाने बैठती हूँ तो आहिल साहब को उसी वक्त खाना होता है, और जब आहिल को स्पेशली बना के दो तो तब खाना नहीं होता। इतना मज़े का उसमें कलर आया था ना पराठे में। और अच्छा पराठा बनाने की टिप ये है कि आपने पराठा हमेशा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना होता है, बनने में टाइम लगता है पर इसी तरह का प्यारा सा कलर आता है, ब्राउन ब्राउन सा, और खाने में भी मज़ेदार और क्रिस्पी बनता है। तो कभी भी तेज़ आंच पे पराठा ना बनाएं, अजीब सा चला चला बनता है। हमेशा उसकी आँच जो होनी चाहिए वो स्लो होनी चाहिए। और मैं जो कॉफ़ी पीती हूँ वो क्लासनो पीती हूँ, ये बड़ा वाला जार 1150 rupees का आता है, 1 महीना 25 दिन तो आराम से चल जाता है अगर आप दिन में 2 बार कॉफ़ी पीते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है, अगर उसकी आपको एडिक्शन लग जाए ना तो बस फिर आप छोड़ नहीं सकते, आपको क्रेविंग ब्लैक कॉफ़ी की होती रहती है। और जब मुझे इसकी आदत डली ना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, और वेट लॉस में कॉफ़ी आपका बेहतरीन साथ देती है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप चाय छोड़ दें, तो कॉफ़ी पे जो है ना आप अपना स्विच कर लें, उसके बाद आप जादू देखिएगा कैसे वेट लॉस होता है। पर हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ का जो है ना एक लिमिट होनी चाहिए। अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पियेंगे तो आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो सकता है और आपको दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसीलिए हर चीज़ को लिमिट में करें और करें ज़रूर। यहाँ पे जी हम डिप करके खा रहे हैं और डिप करके खाने का मज़ा ही और है, यही देसियों की पहचान है। आज वैसे मैंने वीडियो ये सोच के स्टार्ट करी थी कि मैं आपका आप लोगों के साथ आज के खाने का ना रूटीन शेयर करूँगी कि मैं वेट लॉस में कैसे खाती थी और अभी भी मैंने उस चीज़ को कैसे कंटिन्यू रखा हुआ है, पर फिर वीडियो किसी और तरफ मुड़ गई, आहिल की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैंने जो है वो पूरा मैं खाने का रूटीन शेयर नहीं। अभी मैंने बच्चों के लिए कॉर्न गरम करने के लिए रखे हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और ये मैं हमेशा मंगवाती हूँ और मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, इवन मैं भी शौक से खाती हूँ। सो मैं क्या करती हूँ, आपने लेने हैं जो सॉफ्ट वाले मिल्की कॉर्न होते हैं वो, और अगर वो नहीं भी है ना तो ये वाली टिप आप यूज़ करेंगे। इसका आपने स्किन नहीं उतारनी है, स्किन के साथ ही बॉयल करेंगे और 20 से 25 मिनट छोड़ दें, उसके बाद आप मैजिक देखें, ये इतने नरम इसके दाने हो जाते हैं, आप मुझे कहेंगे क्या टिप बताइए। साथ ही कुछ वेजिटेबल्स वगैरह मंगवाई थी, सो सुबह सुबह जोएब ला के दे देते हैं ऑफिस जाने से पहले। तो क्या क्या मंगाया था मैंने, हरा धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था तो अभी वो भी मैं बनाऊंगी, ये मंगवा लिया है। यहाँ पे ये है जी भिंडी, ये है टमाटर, और मुझे बनानी थी फ्राई हरी मिर्चें जो खट्टी वाली होती हैं, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो अभी थोड़ी सी हरी मिर्चें बाकी फ्रिज में हैं, तो जब ये बनाऊँगी ना तो मैं शेयर करूँगी। ये उस वक्त का क्लिप है जब हम आहिल को डॉक्टर को दिखा के लेकर आ गए थे और डॉक्टर ने कहा था इसको नेबुलाइज कराएं। नेबुलाइज मशीन हमने घर में ही रखी हुई है, कोई 7 साल से ये मशीन हमारे पास है और ये इतना काम आती है। तो अगर आपके बच्चों को या आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो ये मशीन ज़रूर लेके रखिए। क्लिनिक्स पे हर कोई आके करता है, वो सेफ़ नहीं होती है और मास्क भी सब एक ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है ना इतना बहादुरी से, इसने 6-7 घंटे गुजारे थे, सांस नहीं आ रही थी, इसकी विसल बजना शुरू हो गई थी और ये इतना निढाल निढाल हो गया था, इतना टायर्ड हो गया था कि जब हम घर लेकर आए और नेबुलाइज कराना शुरू किया, इसकी सांस थोड़ी बहाल होना शुरू हुई है, प्रॉपर लेना स्टार्ट हुई इसकी सांस, तो ये एकदम नींद में चला गया रिलैक्स होकर। तो नेबुलाइज का फ़ायदा यही होता है कि जब आप नेबुलाइज कराने लगते हैं ना तो आपकी सांस में बेहतरी आना शुरू हो जाती है और आपको बहुत रिलैक्स फील करवाती है, इसी वजह से आप एकदम से नींद में जाना शुरू हो जाते हैं।
यहाँ पे जो है ना, ये देखें, ये खुद ही लेके बैठ गया। मैं जब वापस आई ना, मैंने देखा ये बैठा हुआ है और इसने अपने मुंह पे मास्क लगाया है और ये नेबुलाइज खुद ही कर रहा है। ये सिरप हैं जो डॉक्टर ने इनको दिए हैं और बहुत अच्छे सिरप से, मतलब एक ही दफ़ा पहनाने में इसको इतना ज़्यादा डिफरेंस फील होना शुरू हो गया था। और अभी मौसम ऐसा है कराची का, बहुत बुरा चल रहा है, बुरे से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ठंडा वेदर हो गया है, पर ये वेदर ऐसा है कि इस महीने में ऐसी ठंड होती नहीं है यूजली, तो इसीलिए बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब की। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे, हम भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। और जी, आज क्या सीन है कि कल तो बैड सीन हो गया था क्योंकि आयल की बहुत तबीयत बिगड़ गई थी अचानक, और इतनी शदीद बारिश थी कल, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फिल्मी सीन नहीं होता कि बाहर बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है, घर में कोई बीमार है। और आहिल को कल सांस नहीं आ रही थी, और क्या कहते हैं उसको, सांस लेने में आप क्या हार्ड वाली बस इनका ना यही लग रहा है बस। अच्छा कोई बात नहीं, आपने की है बेटा, आपकी 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 किक में डिफरेंस है ना, वो छोटा है। नई वीडियो तो मैं बनाऊंगी ताकि आपको मैं दिखा सकूं। खाना, काहिल की तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर हम उसे लेकर भागे डॉक्टर के पास, करीब में क्लिनिक है। इतना ज़्यादा रश था, हमारा 37 नंबर था और हमें जिन डॉक्टर को दिखाना था वो आए नहीं थे। फिर उसके बाद वो आए, कोई एक घंटा हमें वहाँ वेट करने में लगा। और आहिल मतलब इतना निडाल हो गया था, गिरे जा रहा था, उठ नहीं रहा था क्योंकि वो उसको सांस ही नहीं आ रहा था, वो सांस ही नहीं ले पा रहा था, उसकी ना विसिल बचना स्टार्ट हो गई थी। खैर फिर हम गए और मैं यही सोच रही थी जब मैं बैठी हुई थी ना वहाँ पर, मैं ये सोच रही थी जो कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं और जब उनके घर में कोई बीमार होता है, वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, पूरा मतलब वो जर्नी दिखा रहे होते हैं कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं और बीमार को उठा रहे हैं, यानी कि मतलब वो पूरा कॉन्टेंट वो बनाते हैं। पर मुझे तो इतना भी ध्यान नहीं था कि मैं अपना फ़ोन लेके जाती, और मेरा दिल भी नहीं था, मैं फ़ोन घर पे ही छोड़ कर चली गई थी जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, यानी कि इस फ़ोन से। ये फ़ोन मैं घर पे छोड़ के चली गई थी, मेरा दूसरा फ़ोन मेरे बैग में था। घर वाले मुझे कंटिन्यूसली कॉल कर रहे थे, यानी कि मेरी अम्मी मामू वगैरह, और मुझे पता ही नहीं था कि किसकी कॉल आ रही है। तो मैं यही सोच रही थी कि उनके लिए इतना आसान कैसे होता है, मतलब ऐसी इमोशनल वक्त पे वो कैसे पकड़ लेते हैं और अपने इमोशंस दिखा देते हैं वीडियो में या फिर कैमरे पे। और कंटिन्यूसली मेरे जहन में यही घूम रहा था कि मैं हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, पर
मैं तो अपना मतलब अपना दूसरा फोन तक नहीं उठा पा रही, देखने का मेरे पास टाइम नहीं। मैं बार बार अपने बच्चों को देख रही कि ठीक हो जाए। जोएब की गोद में, जोएब ने कंटिन्यूसली उसे गोद में लिया हुआ था, और मतलब अजीब हजारों सवाल आ रहे थे। और यही हो रहा था कि कैसे बनाते हैं लोग कॉन्टेंट, और कैसे, आई नो कि कॉन्टेंट से ही अर्निंग है, जो मैं जो बड़े ब्लॉगर्स की बात कर रही हूँ, और कॉन्टेंट ही उनकी यू नो लाइफ है, तो उनका कॉन्टेंट है, और वो बीमारियाँ भी उनका ऑब्वियसली सी बात है कॉन्टेंट है। हमारा, हमें तो खैर कोई इतना जानता नहीं, ना कोई इतने व्यूज़ ना कुछ। तो जहन में एक बात आती है ना, बात इमोशंस की होती है, ख्याल की होती है। तो मेरी बात काफ़ी लंबी हो गई और भी रुक गया। बस मैं यही उस वक्त सोची थी कि कैसे कर लेते हैं, कैसे हो जाता है, हमसे क्यों नहीं हो पाता। तो ये था, खैर अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है, उसकी मेडिकेशन चल रही है, निबलाइज उसको करा रहे हैं दिन में 4-5 बार, और अब उसको भी इतना शौक चढ़ गया, वो खुद ही यहाँ पे लगा हुआ है, सो ऑन करता है, खुद ही खड़ा हो जाता है मास्क लेके। तो ये वाला सीन चल रहा है। आज ज़्यादा कुछ है नहीं आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए, तो बस आज का थोड़ा ये वाला सीन है, कर लीजिएगा। मौसम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल 7 घंटे लाइट नहीं थी। हम देखें इसके काम, ये देखें इसके काम। कल इनसे सांस नहीं ली जा रही थी, और आज इनका फुटबॉल चल रहा है फुल जोरों शोर। और आयल मामा की लग गई ना। और वेदर देखें माशाल्लाह, इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत कोई प्यारी वाली हवा चल रही है। काफ़ी टाइम से मेरे पास ये नेल्स रखे हुए हैं, मैंने सोचा चलो ये लगाते हैं। मैं वैसे तो लगाती नहीं, हाथ भी मेरे को इतने कोई खूबसूरत नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ट्राई करते हैं। आज दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, बिल्कुल दूर हट जाओ। सो ये इसके अंदर ना वो ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ इसको ऐसे प्रेस करना होता है अच्छे से, लाइक दिस। ये वाला तो बहुत ही बड़ा है, ये तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं ऐसा छोटा वाला लगा दूँ। इसमें छोटे वाले हैं वो लगाते हैं, दिस वन। अच्छा ये कुछ बेटर है, दिस वन। सो इसको ऐसे प्रेस करते हैं अच्छी तरह से, और ये देखें ये ऐसे हो जाते हैं। मेरे एंकल्स वैसे ही बहुत डार्क हैं ये, कौन सा है, दिस वन। और ये मेरे पास इतने पुराने रखे हुए हैं, आई मीन कोई 2-2.5 साल हो गए होंगे, और ये कब से रखे हुए हैं मेरे पास। ओके, तो ये इतना लगा है, और ये मेरे स्टिकी नहीं हो रहा, ये मेरे निकल रहा है, ये बार बार ऐसे निकल रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, टैबलेट हो गया, वो टैबलेट चार्ज हो गया। सो निकाल लो, निकाल के रख दो।